That the user can choose from. उसमें से क्या यूजर क्या कर सकता है आइटम को सिलेक्ट कर सकता है इट इज अलाउडर टू सिलेक्ट वन और मोर ऑप्शन को क्या अलाउ करता है ठीक हाँ, है तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल शो कर देता हूँ ठीक है इस फ्रेम का टाइटल देखिए लिस्ट एग्जाम्पल हो गया और इस फ्रेम में लिस्ट है देखिये इस लिस्ट को हमने क्या अप एंड डाउन स्क्रोल भी कर सकते है और इस लिस्ट में हमने क्या टेक्स्ट आइटम ऐड किए हुए हैं ठीक है तो यूजर ने क्या इस आइटम को ठीक है क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द लिस्ट ओके और वन और मोर आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं देखिए मैं जैसे निकल जावा आइटम को सिलेक्ट करता हूँ तो हमें क्या गया सिलेक्टेड लैंग्वेज जावा और जैसे मैं सी प्लस प्लस करता हूँ तो हमें आउटपुट क्या गया सिलेक्टेड लैंग्वेज इज सी प्लस प्लस ओके तो इस तरह से हमने क्या लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जावा एडब्ल्यू टी लिस्ट क्लास ओके प्रोग्रामर है चॉइस टू कॉन्फिगर सिंगल सिलेक्ट और मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन ऑफ द लिस्ट तो प्रोग्रामर को क्या चॉइस है कि लिस्ट को कॉन्फिगर कर सकता है इस तरह से कि यूजर ने क्या सिंगल आइटम सिलेक्ट कर सके और मल्टीपल आइटम सिलेक्ट कर सके इस तरह से प्रोग्रामर क्या, क्या कर सकता है लिस्ट को कॉन्फिगर कर सके लिस्ट क्लास इज फाउंड इन जार डॉट एडब्ल्यू टी पैकेज तो लिस्ट क्लास कैसा है इट इज प्रीडिफाइन क्लास है और ये कहां पर प्रेजेंट करता है जार डॉट एडब्ल्यू टी पैकेज में क्लास डिक्लेरेशन देखिये पब्लिक क्लास लिस्ट एक्सटेंड्स कंपोनेंट तो लिस्ट क्लास क्या है इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ कंपोनेंट क्लास और लिस्ट क्लास कौन से इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है दैट इज इंटरफेस इंटरफेस एंड एक्सेसिबल को नेक्स्ट देखिए देखिए कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ऑफ लिस्ट क्लास फर्स्ट पब्लिक लिस्ट यहां पे जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है इट कंस्ट्रक्टर न्यू स्क्रोलिंग लिस्ट मतलब क्या स्क्रोलिंग लिस्ट क्या कर सकता है ये कंस्ट्रक्ट करता है ये जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ओके तो एग्जांपल देखिए

लिस्ट एल न्यू लिस्ट थ्री पे क्या हमने नंबर ऑफ रोज क्या प्रोवाइड किया थ्री तो क्या कंस्ट्रक्टर क्या करेगा थ्री आइटम्स विजिबल करेगा यूजर को नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर देखिए पब्लिक लिस्ट यहाँ पे टू पैरामीटर प्रोवाइड करना है दैट इज इंट रो नंबर एंड बुलियन मल्टीपल मोड्स ओके तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है देखिए इट कंस्ट्रक्टर न्यू स्कोलिंग लिस्ट इनलाइज विच डिस्प्ले द गिवन नंबर ऑफ रोज जितने भी हमने नंबर प्रोवाइड किया है उसके साथ ने क्या हमारा विजिबल करके वो रोज को लिस्ट क्रिएट होगा हो और यहाँ पे जो हमने क्या, बुलियन मल्टीपल मोड करके पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे ना अगर यहाँ पे हमने ट्रू प्रोवाइड किया तो यूजर क्या कर सकेगा कि मोर देन वन आइटम सिलेक्ट कर सकेगा अगर फ़ॉल्स प्रोवाइड कर दिया तो क्या यूजर ने क्या मोर देन वन आइटम सिलेक्ट नहीं कर सकता फ्रॉम द लिस्ट तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल

नेक्स्ट मेथड देखिए पब्लिक वाइड वाइडिलेक्ट आपको मेथड के नेम से ही समझ में आ गया होगा ये डिसलेक्ट मेथड तो देखिए यहाँ पे इट डिसलेक्ट द गिशन नेक्स्ट मेथड देखिए नेक्स्ट मेथड इज पब्लिक स्ट्रिंग गेट आइटम और यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड करना है इंट इंडेक्स ओके आपको मेथड के नेम से ही समझ में आ गया होगा किस के लिए ये मेथड है तो देखिए इट द आइटम रिलेटेड टू पर मेथडियेडेक्स पोजिशन पोजिशन प्रोवाइड किया है तो ये मेथड क्या कर करता है उस इंडेक्स के साथ जो आइटम होगा उस आइटम को क्या करेगा फेच करेगा रीड करेगा ठीक है और इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है दैट इज स्ट्रिंग ओके नेक्स्ट मेथड देखिए पब्लिक इंट गेट आइटम काउंट ओके तो आपको मेथड के नेम से समझ में आ गया होगा किस पर्पज के लिए देखिए मेथड क्या करता है इट गेट द नंबर ऑफ एस इन अ लिस्ट मतलब जितने भी आइटम है हमारे लिस्ट में अगर वो उसको में, वो हमें चाहिए तो देन वी हर हाँ टू यूज द कौन सी मेथड गेट आइटम काउंट मेथड और इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है इंट ओके तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं पब्लिक इंट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स तो मेथड का नेम से समझ में आ गया होगा कि मेथड किस परपज के लिए और इस मेथड का रिटर्न टाइप है दैट इज इंट ओके तो यहां पे देखिए क्या करता है इट फेचेज द इंडेक्स ऑफ सिलेक्टेड आइटम ऑफ द लिस्ट जो भी हमारी जो लिस्ट है ना उसमें से जो आइटम हमने किया है, अगर उसका हमें इंडेक्स चाहिए method. Method atom, okay? तो मेथड ये, ये क्या करता है इट द सिलेक्टेड आइटम ऑन द लिस्ट मतलब जो भी हमें लिस्ट में से आइटम सिलेक्ट किया है और वो आइटम हमें चाहिए तो देन वीर टू यूज द गेट सिलेक्टेड आइटम मेथड ओके और इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है स्ट्रिंग ओके नेक्स्ट मेथड देखिए

पब्लिक वाइड रिमूव ऑल ओके आपको मेथड के नेम से समझा गया होगा ये मेथड किस परपज के लिए तो चलिए मैं इट रिमूव ऑल द आइटम फ्रॉम द लिस्ट मतलब हमारे लिस्ट में जितने भी आइटम है अगर उनको सभी आइटम को रिमूव करना है देन वी आर टू यूज द रिमूव ऑल मेथड नेक्स्ट मेथड देखिए पब्लिक वाइड रिप्लेस आइटम ओके और यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड करना है स्टिंग न्यू वैल्यूट इज स्टिंग न्यू आइटम और यहाँ पे क्या इंट इंडेक्स ओके तो ये मेथड क्या करता है इट रिप्लेसेज गिवन इंडेक्स इन लिस्ट जो भी हमने ने पे वहाँ पे क्या कर देगा उस आइटम को रिप्लेस कर देगा यूजिंग रिप्लेस आइटम मेथड से ओके नेक्स्ट मेथड देखिए पब्लिक वाइड सेट मल्टी मोड मेथड ओके और यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है क्या बुलियन वैल्यू तो ये मेथड क्या करता है देखिए फ्लैग डिस्ट विल अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन और नॉट अगर यहाँ पे बुलियन वैल्यू में अगर हमने कर दिया तो ये मेथड क्या करेगा की मतलब मल्टी वैल्यू सिलेक्शन प्रोवाइड करेगा यूजर को अगर यहाँ पे फॉल्स प्रोवाइड कर देगा तो जो लिस्ट है हमारी उस लिस्ट को क्या मतलब ओनली वन आइटम कैन सिलेक्ट अब ओनली वन आइटम सिलेक्ट कर सकता है दीज आर द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ लिस्ट क्लास ओके तो चलिए हमने के एग्जाम्पल्स देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट क्लास तो चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ आपको नहीं क्या एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट क्लास दिखाता हूँ देखिए यहाँ पे आपने क्लिप्स ओपन लिया तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नेता हूँ बटन देन क्लिक ऑन फिनिश बटन ओके तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है मैं पे पैकेज नेम प्रोवाइड करता हूँ okay? okay? तो हमारा क्लास नेम हो गया देन आई नीड मेथड चेक इट एंड दे बटन ओके तो ये हमारा ने क्या यूजर डिफाइन क्लास क्रिएट हो गया दैट इज क्लास नेम इज लिस्ट एग्जाम्पल इसे क्या यूजर डिफाइन फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो कैसे बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और इस क्लास में लिस्ट एग्जाम्पल क्लास में नहीं क्या एटम इवेंट राइज होने वाला है इसलिए क्या क्या मैं करने वाला इंटरफेस इंटरफेस ओके इस का इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सा है दैट इज लिस्ट एग्जाम्पल ओके तो यहाँ पे एरर बता रहा है क्लिक हियर एंड देन क्या एड अन्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक कीजिए तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो कौन सी मेथड ओवराइड होगी एटम स्टेट चेंज मेथड ओवराइड हो, हो जाएगी ओके okay? तो चलिए मैं क्या कर लेता हूँ कुछ वेरिएबल तो मैं पे कमेंट कर लेता हूँ तो लेबल okay? ले okay? okay? उसका रेफरेंस लेते हैं लेबल ओके तो इस तरह से टू वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए देन मैं क्या कर लेता हूँ हमारे जो फ्रेम की प्रॉपर्टीज है ना वो अ कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर लेता हूँ देखिए क्या करते हैं फर्स्टली सो जाएगा विजिबल हो जाएगा देन क्या कर लेते हैं फ्रेम को टाइटल प्रोवाइड करने दिस डॉट करेंगे और हमारा फ्रेम का टाइटल प्रोवाइड करेंगे देन नेक्स्ट क्या कर लेते हैं देखिए हमारे फ्रेम की साइज प्रोइड कर लेते हैं सेट साइज मेथड कॉल करके और मैं साइज प्रोइड करता हूँ फ्रेम की दैट इज फाइव हंड्रेड बाई फाइव हंड्रेड ओके देन मैं प्रोवाइड कर लेता हूँ हमारे फ्रेम का लेआउट सेट कर लेता हूँ कैसे देखिए दिस डॉट सेट लेआउट मेथड कॉल करके और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता हूँ दैट इज नल ओके तो इस तरह से हमारा फ्रेम की प्रॉपर्टी प्रोइड कर दिया देन हमारे फ्रेम को क्या कर लेता हूँ विंडो क्लोजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे कमेंट भी कर लेता हूँ विंडो क्लोजिंग ओके तो कैसे करते हैं दिस डॉट एड विंडो लिस्नर मेथड कॉल करके और यहाँ पे विंडो लिस्नर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं तो कैसे तो मैं कर लेता हूँ न्यू विंडो एडॉप्टर

तो कैसे देखें फॉन्ड इक्वल टू न्यू फॉन्ट ओके तो यहाँ पे हमें प्रोइड करना है दैट इज फॉन्ट नेम दैट इज कंसोलर ठीक है कंसोलर ओके हमारा फॉन्ट नेम हो गया देन मैं फॉन्ट साइज प्रोवाइड करता हूँ डॉट बोल्ड ओके और फॉन्ट साइज प्रोवाइड करता हूँ दैट इज ट्वेंटी पिक्सल तो इस तरह से फॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया देन मैं क्या कर लेता हूँ लेबल क्रिएट कर लेता हूँ तो मैं पे कमेंट कर लेता हूँ क्रिएटिंग लेबल ओके तो कैसे लेबल क्वल टू न्यू लेबल ओके यहाँ पे लेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस लेबल का अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं कैसे लेबल डॉट सेट अलाइनमेंट मेथड कॉल करके और यहाँ पे क्या कर लेते हैं लेबल डॉट सेंटर ओके तो इस लेबल का अलाइनमेंट हमने सेंटर सेट कर दिया है देन मैं क्या कर लेता हूँ इस लेबल का फॉन्ट सेट कर लेते हैं तो लेबल डॉट कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा सेट फॉन्ट मेथड कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं किया हमें फॉन्ट क्लास का रेफरेंस फ्रोवाइड करना पड़ेगा इसलिए यह फ्रॉइड कर दिया ठीक है

फॉन्ट सेट कर, तो कर लेता तो मैं यहाँ पे सेट फॉन्ट मेथल कॉल कर लेता हूँ तो और यहाँ पे क्या कर लिया हमने फॉन्ट हाँ, क्लास का रेफरेंस प्रोवाइड कर लिया और देन मैं क्या कर लेता हूँ हमारे लिस्ट का नहीं क्या लोकेशन सेट करते हैं कैसे एल डॉट सेट बाउंड में कॉल करके ओके और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे एक्स कॉर्नेट दैट इट हंड्रेड वाई कॉर्नेट प्रोवाइड करेंगे दैट इट हंड्रेड और बिड प्रोवाइड करेंगे दैट इज टू हंड्रेड और हाइट प्रोवाइड करेंगे दैट इज हंड्रेड इस तरह से हमारा जो है ना क्या लिस्ट लिस्ट ने क्या हाँ हमारे फैम पे सेट हो जाएगा ट ओके ने हमारा तो एम टी लिस्ट क्रिएट हो गया है और इस लिस्ट में कॉमेंट तो कर लेता हूँ okay. तो कैसे करते हैं एल डॉट कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा एड मेथड कॉल कर दिए और मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ फर्स्ट इज द जावास्ट एड कर, कर देते और यहाँ पे मैं प्रोवाइड देता हूँ दैट इज सी लैंग्वेज करके प्रोवाइड कर लेते हैं आइटम नेम सी लैंग्वेज ओके देन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ नेक्स्ट में आइटम ऐड करते हैं डॉट और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ सी प्लस प्लस ओके देन नेक्स्ट आइटम प्रोवाइड करते हैं दैट इज एल डॉट एड ओके मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज पाइथन ओके और एक आइटम ऐड आट कर लेते हैं दैट इज

किसे, कैसे ऐड करते हैं? कॉल कॉल कीजिए 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 और और यहां पे पे प्रोवाइड प्रोवाइड का हमने करना है ओके okay, तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट हमने फ्रेम पे ऐड कर लिए ओके okay, तो अभी क्या कर लेते हैं हम हम जैसे निकल लिस्ट में से आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो कौन, होता है? Atom event. Atom event कौन, कौन हैंडल करता है आइटम लिस्टर पे तो हमें क्या करना पड़ेगा जो लिस्ट है उसको निका रजिस्टर करना पड़ेगा विदम लिस्टर इंटरफेस तो मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ रजिस्टर लिस्ट विद द इंटरफेस ओके ओके तो कैसे करते हैं देखिए लिस्ट ऑब्जेक्ट पे कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा एड एटम लिस्नर ओके ओके और यहाँ पे हमें क्या प्रोड करना पड़ेगा आइटम लिस्नर इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा आइटम लिस्नर इंटरफेस का

एटम करके रेफरेंस लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ पे दैट इज लिस्ट के ऑब्जेक्ट पे कौन सी मेथड कॉल करता हूँ गेट सिलेक्टेड आइटम ओके तो इस तरह से हमने कर लिया ओके okay? तो क्या हो गया जो भी हमने ने आइटम सिलेक्ट किया है वो आइटम कौन से वेरिएबल में आ जाएगा दैट इज सिलेक्ट आइटम में ओके okay? तो अभी क्या कर लेते हैं देखिये मैं लेता हूं, कर लेता हूँ लेबर डॉट कौन सी मेथड कॉल कर लेता हूँ कॉल कर लेता और यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ लैंग्वेज ओके language और यहाँ पे हम कॉन्टेशन करेंगे that is, selected atom. Okay? तो हमारा हमारा हो गया Then, last step क्या करना पड़ेगा हमारा जो user that is, कर पड़ेगा जो है कौन सा उसका तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ लिस्ट एग्जाम्पल उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ओके देन सेमिक तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम ओके okay? तो चलिए मैं इस प्रोग्राम का को रन करके दिखाता हूँ okay?

और जैसे मैं पाइथन पे सेलेक्ट करता हूँ तो क्या आता है सिलेक्टेड लैंग्वेजेस पाइथन तो इस तरह से हमने क्या यूजिंग लिस्ट क्लास वी कैन क्रिएट अ लिस्ट तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट क्लास